दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AGTNU वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, UP SSSC ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि AGTA की न्यू वैकेंसी आनी है। आप सब ने देखा होगा, अभी से कुछ दिन पहले एक नोटिस भी जारी कर दिया था UP SSSC ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर, जिसमें कि उन्होंने ये जिक्र किया है कि AGTA और केन सुपरवाइजर की दोनों ही मिला करके लगभग 2500 सीटों पर वैकेंसी आनी है, जबकि ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। तो अब जो है आप लोग तैयारी में भी लग गए होंगे, PET की तैयारी आप लोग अच्छे से करने लग गए होंगे, क्योंकि PET के स्पोर्ट पे ही आप अब जो है आगे इसके मेंस एग्जाम में बैठ सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, क्योंकि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं और तैयारी करने जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ों पर आपको यहाँ पर पहले जो है कुछ चीज़ों को देख लेना, जान लेना और समझ लेना जरूरी है। जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था, जो अभी हाल ही में 2018 वाला पेपर हुआ है उसका जो कट ऑफ था वो क्या था ऑफिशियल, ये आपको जानना जरूरी है। एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि एज काउंट जो है वो कौन से ईयर से किया जाएगा, क्या होगा मिनिमम एज, ये सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सारे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है उस पर भी यहाँ पर बात करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। और आप लोग बार बार एक और सवाल पूछते हैं कि पेट का जो है स्कोर क्या होगा, कितना कट ऑफ जाएगा AGTA के लिए। तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग एक एक करके चलिए बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूंगी कि अगर आप PET एग्जाम देने वाले हैं और AGTA की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर या एलाइड से ग्रेजुएट्स हैं और AGTA न्यू वैकेंसी के लिए आप जो है एलिजिबल हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि AGTA से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी यहाँ पे आपको दी जाएगी, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी और आपकी तैयारी भी यहाँ पर कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पे। तो जानते हैं कि 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें जो कट ऑफ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग जो है आगे भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सके और आप लोग जान सके कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कितना ज़्यादा कट ऑफ किया था। तो दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं लगभग जो इस बार भी सीटों की संख्या 2000 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि ये जो 2500 है, 2500 में केन सुपरवाइजर भी है, तो AGTA की उतनी ही सीटों की संख्या होगी और जो है कट ऑफ भी उसी हिसाब से तय होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है उतने ही लगभग होंगे एक तरह से देखा जाए तो। तो आप लोग जो है देखेंगे जब प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है 2018 का वो इस तरह से था, जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनरल का जो कट ऑफ है वो आपका गया था 147 नंबर, ये नंबर है, और यहाँ पे टोटल जो है 400 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें से कि आपका 147 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था। और आप यहाँ पर देखेंगे OBC का तो 134 नंबर गया था, इस तरह से कट ऑफ था। और जो SC का है आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनुसूचित जाति का 103 नंबर। और अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का, तो आप ये देख सकते हैं 80 नंबर गया था। तो इस तरह से कट ऑफ था। और ये जो जितनी भी आप यहाँ पर पिक्स और जो भी PDF देखेंगे वो सब मेरे टेलीग्राम पर मैं उपलब्ध करा दूँगी आपको, आप लोग मुझे बस कमेंट करके बताइए, तो मैं कल सुबह तक सब कुछ अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पर। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये कट ऑफ की बात हो गई, इस तरह से ये कट ऑफ था, और ये कट ऑफ भी मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगी, आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और सब कुछ देख सकते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो है AGTA मेंस देने के लिए PET में आपका कितना स्कोर होना चाहिए, जो PET का कट ऑफ है वो कितना बनेगा AGTA के लिए एलिजिबल होने के लिए, ये आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है। हमेशा ही आप लोग कमेंट करके ये मेरे से पूछते हैं कि मैम बताइए कि PET में कितना स्कोर करना होगा AGTA के लिए। तो दोस्तों देखिए, आप सबको बता दें कि आप लोग बिल्कुल भी ये माइंड सेट करके नहीं रहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ AGTA के लिए एलिजिबल होना है PET क्वालिफाई करके। मैं ये कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम स्कोर लेके नहीं चलिए, PET में आप लोग अपना बेस्ट कीजिए, बहुत अच्छे से PET एग्ज़ाम दीजिए। PET के लिए लगातार मेरे चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PET का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग PET के लिए अच्छा से अच्छा बुक पढ़िए। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कौन से बुक से पढ़ना है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ों पर वीडियोज़ आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं, तो आप लोग PET वाला सारा वीडियो ज़रूर देखिए।
और आप सब पीटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए, ताकि क्या होगा कि सिर्फ एजीटीए पे आप लोग डिपेंडेंट होके नहीं रहेंगे, उसके बाद और भी एग्जाम्स पे के लिए आप एलिजिबल होंगे। बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है, तो अगर आप पीटी में अच्छा स्कोर करते हैं तो बाकी के पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, तो आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे बहुत सारे। अब मान लीजिए कि आप एजीटीए में ज़्यादा सीटों की संख्या होगी तो उसके लिए इनका जो है अलग से स्कोर, कम स्कोर रहेगा। फिर केंद्र सुपरवाइजर में ज़्यादा से ज़्यादा 400 सीटों पे वैकेंसी आएगी तो उसमें एलिजिबल होने के लिए आपका बहुत ज़्यादा स्कोर मांगा जाएगा। तो आप इतना ज़्यादा स्कोर कर लीजिए कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपको 80 से भी ज़्यादा स्कोर करना है पीईटी में, ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि पीईटी के स्कोर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आप लोग बार बार ये भी पूछते हैं कि क्या 2018 का जो सिलेबस था वही सिलेबस 2021 में भी रहेगा, जो एजीटीए की न्यू वैकेंसी है। तो देखिए सिलेबस जो है ऐसे बार बार चेंज नहीं होता है। पीईटी जो है वो आपका बस और बस एक क्वालिफाइंग नेचर का जो एक एग्जाम होगा, और नहीं तो उसके मार्क्स जुड़ेंगे। बस वो इसलिए है कि ताकि भीड़ को पहले ही छाटा जा सके, तो पीईटी से कोई मतलब नहीं है। और जो मेन आपका एग्जाम होगा वो मेंस एग्जाम होगा, और उसका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा इस बार भी, उम्मीद नहीं है। अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, जब ऑफिशियली अनाउंस होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और इतना जल्दी ऑफिशियली वो नहीं, कुछ भी नहीं होता है कि हाँ तुरंत तुरंत चेंज किया गया। तो उम्मीद है कि जो लास्ट ईयर था 2018 में था आपका सिलेबस, सेम उसी बार भी वही रहेगा 2021 में भी। तो सिलेबस जो है आपका वही है, 4 सेक्शन होते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो आपका है 2 नंबर का होगा, और वे सामने आप देख रहे हैं। एक सेक्शन आपका हिंदी का होगा, जनरल हिंदी का, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस हिंदी से आएंगे, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे। और जो एक सेक्शन है आपका वो जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें कि करंट के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही साथ आपके एग्रीकल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और जो एक सेक्शन है आपका वो रहेगा साइंस और मैथ का, जिसमें कि 25 क्वेश्चन साइंस से और 25 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। तो ये वाला भी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ पर टेलीग्राम पे। तो दोस्तों ये सारी, ये इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, इस तरह से एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो पूरा जो सिलेबस और एग्जाम का, ये तो बस आप एक वो देख रहे हैं, और जो पूरा सिलेबस और पैटर्न है, जिसमें कि आपको दिया होगा कि जनरल नॉलेज से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ये पूरा का पूरा फुल सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मेरे पास तैयार हो चुका है। आप लोग बस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को जरूरत है तो मैं वहां पर अपलोड करवा दूंगी। तो ये बात हो गई सिलेबस की। अब हम लोग बात कर ले, क्योंकि जब सिलेबस की बात हो चुकी है तो बात करना है अब यहाँ पे एज लिमिट की, क्योंकि आप लोग बार बार एक बात जरूर पूछते हैं, आप लोगों के लगातार कमेंट आते हैं कि एज लिमिट जो है वो कब से काउंट होगा और कितना होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी एजीटीए की 2018 की, आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन का ही एक कटिंग है एज लिमिट से रिलेटेड, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो 2018 में वैकेंसी आई थी जुलाई मंथ में, और जो जुलाई, मिड जुलाई में वैकेंसी आई थी, बट जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई से काउंट किया गया था। तो इसीलिए जिस मंथ में आपकी वैकेंसी आएगी, मान लीजिए कि आपका फरवरी में पेपर है और पीईटी का एग्जाम अगस्त में होगा, और आपका जो है सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर में मान लेते हैं कि एजीटीए की न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है, तो उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से काउंट होगा। तो जिस मंथ में आपका ये आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसी मंथ में जो है आपका एज लिमिट उसी मंथ से काउंट किया जाएगा, उसके 1 तारीख से। तो आप यहाँ सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपका जो है मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल, तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से आपका एज लिमिट रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको एजीटीए का जो है पिछले साल का नोटिफिकेशन चाहिए तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये सब मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं नोटिफिकेशन भी अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगी। आप लोग वहाँ सब कुछ आपके पास, आपको आपके अब हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये 6 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक एक पॉइंट आप समझ सके, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। नोटिफिकेशन भी जो आएगा तो इसी तरह से सब कुछ रहेगा, बस डेट वगैरह थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, बाकी सब रहेगा। तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर का सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो आप आसानी से सब कुछ देख सकते हैं। और मेरे होते हुए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बेझिझक बताते रहिए, मैं सब अवेलेबल करवा दूंगी। तो ये तो बात हो गई आपकी, जो बाकी ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो देखिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है,
क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उसमें से क्या किस तरह से आपको पढ़ना है, ये किस दिशा में आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की बहुत ज़रूरत होती है। आप लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि आप लोग महंगे महंगे कोचिंग के नोट्स खरीद लेते हैं, बस पढ़ते जाते हैं, बुक्स ले लेते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम पहले देखें, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या एग्ज़ाम का नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने कैंडिडेट्स को चाहिए, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगी। ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम से के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप सब AGTA जितने भी न्यू वैकेंसी वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं, आप सब चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं सब कुछ आपको अवेलेबल करा दूँ और आपको सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। सिलेबस से लेकर के आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, आपका जो भी प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ मार्क्स था वो, क्वेश्चन पेपर, ये हर चीज़ आपको जो है मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम की तैयारी करने की दिशा में आपका एक पहला कदम होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारा मटेरियल आप बुक खरीदेंगे, कोचिंग मटेरियल लेंगे, ये सबसे पहले आपको ज़रूरी है, ये सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल लगा होगा और आप लोगों के मन में जो भी डाउट था इन सारी चीज़ों को लेके दूर हो चुका होगा, एज लिमिट को लेके, सिलेबस को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं अवेलेबल कराती हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दे रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, मैं आपको बार बार कहती हूँ, किसी भी आप लोग महंगे महंगे कोचिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि यहाँ जो है तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारा का सारा जितना भी होगा आपको पूरा पूरा गाइड करते रहूँगी, समय समय पर सारे बुक्स वगैरह बताती रहूँगी, क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आपको बुक लिस्ट पे इस सब पे वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके, सभी को फायदा मिल सके, क्योंकि आप सब, मुझे पता है हर कोई जो है महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर अच्छे बहुत बड़े सिटी में जाकर के तैयारी नहीं कर सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। तो आप लोग जो है मेरे साथ लगातार बने रहिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।